Hello students, my name is Amir and here I am to tell you that we are starting a complete series on computer accounting. इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स भी, जहां पर हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. ऐसा किसी ने जो कभी भी अकाउंटिंग नहीं की है तो भी अगर हर एक क्लास को प्रॉपरली देखेगा तो अकाउंटिंग में मास्टरी कर पाएगा. तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी अकाउंटिंग को लगभग 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब टैली बिल्कुल भी नहीं है. जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, या तो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं या फिर हम जाते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए. तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग मेनली फोकस करेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग पर, बट साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग कैसे की जाती है. अब अगर हम बात करें कंप्यूटर अकाउंटिंग की, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं टैली. टैली को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसका पहला पार्ट होगा आपका अकाउंट्स इन्फो का. अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेजर्स क्या है, मैनुअल लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं. इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जनरल एंट्रीज बनाना, और जनरल एंट्रीज के अंतर्गत हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि क्या है एसेट्स, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने प्रकार की होती हैं, क्या है कैपिटल, इसके साथ साथ लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज कितने प्रकार की होते हैं, रेवेन्यू क्या है, यानी कुल मिलाकर इमेज मेनली जितने भी वर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं हम लोग उन पर मास्टरी करेंगे. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें अपने बिजनेस की बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, जो भी माल परचेज एंड सेल हो रहा है उसकी बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, और अपने बिजनेस के डेली बेसिस पे हो रहे ट्रांजैक्शंस के डे बुक हम कैसे क्रिएट करेंगे. तो ये हम देखेंगे अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत. इसके बाद अगले टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे इन्वेंट्री इन्फो, जिसमें मेनली हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भी फर्म है जिसपे मेनली जो भी परचेज एंड सेल हो रहा है जिस भी गुड्स का, वो कौन सी ब्रांड का है, यानी कैटेगरी क्रिएट करना, माल क्या है एग्जैक्टली, गुड्स यानी कि ग्रुप क्रिएट करना, गुड्स का ग्रुप क्रिएट करना. साथ ही साथ उसको जब हम नाप रहे हैं, जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं, किलोग्राम है, मिलीमीटर है, जो भी है, स्क्वायर फिट है, तो यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि स्टॉक कितना हमारे पास है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, तो स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, हम ये भी सीखेंगे. और साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे कि पूरा परचेज एंड सेल होने के बाद, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न होने के बाद, हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस प्रमाइसेस में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भी हम लोग सीखेंगे. ये आप इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत सीखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे पेरोल इन्फो, जिसके अंतर्गत आपको सीखना है अगर आपकी फर्म ज्यादा बड़ी हो गई है जिसमें ढेर सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो इन एम्प्लॉयज की कैटेगरी क्रिएट करना, उनका ग्रुप क्रिएट करना, साथ ही साथ उन एम्प्लॉयज की डिटेलिंग फिल करना, उनकी सैलरी क्रिएट करना और उनकी सैलरी स्लिप बनाना, टीडीएस फाइल करना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे पेरोल इन्फो के अंतर्गत. इतना सारा कुछ देखने के बाद हम लोग मेनली टॉपिक पे बात करेंगे फिर जीएसटी पे. जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरीके से इफेक्ट करती है हमारे परचेज और सेल को, इंटरस्टेट जीएसटी क्या है, इंटरस्टेट जीएसटी का है. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें जब जीएसटी पे करनी होती है गवर्नमेंट को, तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें फॉलो करने होते हैं, और कैसे हम रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी. तो आने वाली क्लासेस में हम इन सारे के सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. वह अगर आपको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं आती या बिल्कुल आज से स्टार्ट कर रहे हो आप सीखना, तो डोंट वरी, आप एक एक करके सारी क्लासेस लेंगे तो एक क्लास में हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. मे बी उसका एक्सरसाइज अगले क्लास में हो जाएगा. तो अगर आप सारी क्लासेस मेंटेन करेंगे, सारी क्लासेस पढ़ेंगे, सारी क्लासेस को ऑब्जर्व करेंगे, तो आई प्रॉमिस टू यू आपको अकाउंटिंग बहुत ही आसान लगेगी. इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी. अगली क्लास आपको कल से मिलना स्टार्ट हो गया. आई विल ट्राई कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज कराऊं जिससे आपकी अकाउंटिंग जल्द से जल्द रेडी हो जाए. तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही. इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. तो बहुत जल्द यानी कल फिर से मिलेंगे हम पहली क्लास में, और पहली क्लास में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग है क्या, कितने प्रकार की होती है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंप्यूटर अकाउंटिंग. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.